हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर आप घर बैठे सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस का किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आ जाना है इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट में। आने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म में आपको डिटेल्स को फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपका घर पे आके आएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस का आदमी, फुल EKYC के साथ आपका डिजिटली अकाउंट को ओपनिंग करके देगा। तो उसके लिए आपको कुछ हमको फिलअप करना होगा। तो फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका नेम डाल देना है, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा, उसके बाद आपका पिन कोड डालना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्ट सर्विस में आ जाना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है IPBB आधार सर्विस। अगर आपका घर पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर अकाउंट ओपनिंग करना चाहेंगे तो आपको इस वाला सेक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर से सब्जेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहेंगे तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, विड्रॉल करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है, एंड आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP का ऑप्शन में क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डाले उसमें एक OTP सेंड किया जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होता है। अगर आपका OTP नहीं आएगा तो 120 सेकेंड के बाद फिर से रिसेंड OTP का ऑप्शन आएगा, तो आप फिर से रिसेंड कर सकते हो। OTP डालने के बाद आपको कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली बोल के आपको रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको इसको कॉपी करके या नोट डाउन कर रख लेना है। यहाँ पे क्लिक किया ट्रैकिंग योर रिक्वेस्ट, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो नंबर रेफरेंस नंबर दिया गया है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको फेज का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है सब कुछ डिटेल्स में आपको नजर आ जाएगा, आप सर्विस क्या लेना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। EKYC के साथ इंडियन पोस्ट ऑफिस का खाता ओपन करना चाहते दोस्तों घर बैठे, तो ये वाला फॉर्म को फिलअप करके आपका घर पे आके डोर स्टेप सर्विस को लाभ ले सकते हैं, एंड इंडियन पोस्ट ऑफिस का खाता ओपन कर सकते हैं।